गुरुग्राम में अब एटीएम मशीनों की हो रही चोरी और उखाड़ने की वारदातों के बाद गुरुग्राम पुलिस इस मामले पर सख्त हो गई है। गुरुग्राम पुलिस ने सभी बैंक प्रबंधन को इस बारे में नोटिस भी दे चुकी है और उनके साथ बैठक कर ये दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में गुरुग्राम में एटीएम और ऑनलाइन फंड के मामले अधिक हुए हैं और यही नहीं, कुछ मामलों में आरोपी एटीएम की उखाड़ कर ले गई। इस मामले में पुलिस ने सख्ती बरतते हुए सभी बैंक प्रबंधन को इस बारे में जानकारी और नोटिस भी दिया है कि वो सभी एटीएम पर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त करें, जिससे सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मी अहम हैं। गुरुग्राम में अधिकांश ऐसे एटीएम हैं जहां सुरक्षा कर्मी ही नहीं है और कुछ एटीएम पर तो सीसीटीवी भी नहीं है। देखिए, अभी पिछले दिनों ही डीसीपी क्राइम श्री सुमित कुमार की सुपरविजन में, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जो बैंक के जितने सीनियर ऑफिसर्स थे और इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स डिप्लॉय करने के जो कंपनीज हैं उनके जो ऑफिसर्स थे, उनको बुलाकर एक कंबाइंड मीटिंग ली गई थी, जिसमें डीसीपी साहब की तरफ से उनको स्ट्रिक्ट ये डायरेक्शंस भी दी गई थी कि भाई जितने भी एटीएम्स बूथ हैं वहाँ पर अपनी तरफ से जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो डिप्लॉय किए जाएं और जहाँ पर सीसीटीवी कैमराज नहीं है वो भी सेटअप किए जाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होते हैं प्रदेश के तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।